हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजपाल कुमार और आप देख रहे हैं टेस्टिंग बाबा। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि आपके ओस्मो पॉकेट, DJI ओस्मो पॉकेट कैमरा को प्रोटेक्ट करेगा वाटर से और धूल से और बहुत सारी चीज़ों से। तो वो प्रोडक्ट का चलिए हम अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं वो कितना वाटर रेजिस्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट है जो कि हमारे DJI ओस्मो पॉकेट को प्रोटेक्ट करेगा। जल्दी से इसे अनबॉक्स कर लेते हैं और इसके अंदर देखते हैं वो कैसा केस है। दोस्तों ये हम लोगों को यहाँ कुछ इस प्रकार का केस मिला है। अच्छा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ग्लास का है। तो ऑनलाइन तो देखने में नहीं पता चला, लेकिन ऐसे इसका क्वालिटी बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमें इस पैकेट में इतना सारा जो एसेसरीज हुआ है रिसीव, उसमें से सबसे पहले ये हमारा एक स्ट्रैप है जो कि स्ट्रैप को हम इसमें लगा करके इसे यूज कर सकते हैं। उसके साथ हमें दो ऐसा प्रोडक्ट है, इसका नाम तो मैं नहीं प्रोनाउंस कर पाऊँगा, लेकिन ये जो है प्रोडक्ट है वो वाटर को कम करने के लिए, वाटर रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए, मतलब इसके अंदर इसको चिपकाना होगा। उसके साथ हम लोगों को मिला है एक केस, अच्छा केस है जिसमें आप इसे आराम से रख सकते हैं। तो चलिए इसे ओपन करते हैं सबसे पहले, और इसको ओपन कैसे करना है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से इसे इस तरीके से पकड़ना है और इसे पुश करना है। चलिए हमारा प्रोडक्ट खुल चुका है। चलिए तो इसे बाहर निकालते हैं, इसके अंदर क्या मिला है वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, तो इसके अंदर हम लोगों को ये दो रबड़ का ये मिला है, चाहे तो इसे हम यहाँ पे शायद इसे लगाने के लिए दिया गया होगा, तो इसे हम टाई कर लेंगे बाद में। तो चलिए टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए सबसे पहले इसके अंदर वाटर में टेस्ट करते हैं। एक मेरे पास कपड़ा है, इस कपड़ा को इसके अंदर डाल देते हैं। तो चलिए इसे फटाफट से अपने वाटर में डाल के टेस्ट कर लेते हैं क्या ये हमारा जो इसके अंदर हमारा कैमरा जाएगा DJI ओस्मो पॉकेट वो कितना सुरक्षित रहता है। तो इसके लिए ये देखिए हमारे पास एक बकेट वाटर है, इसमें मैं इसे डालने वाला हूँ और ये टेस्ट करने वाला हूँ कि क्या मेरा ये कपड़ा जो भी रुमाल है वो सूखा रह पाता है या नहीं। तो चलिए इसको इसके अंदर डालते हैं और हिलाने डुलाने का कोशिश करते हैं, और उसके बाद जब इसे हम बाहर निकालेंगे तो देखेंगे कि क्या हमारा ये कपड़ा वाटर रेजिस्टेंस है या बचा हुआ है या भींग चुका है। कुछ देर इसे पानी में डुबा करके ही रखते हैं, निकालते हैं। इसके अंदर तो अभी कुछ वाटर गया नहीं है, ऊपर से तो कुछ नहीं लग रहा है। तो इसे फिर से हम डालते हैं और इस तरीका से इसे यूज करके देखते हैं, शायद इसके अंदर चला जाए ऊपर से नीचे से। बाकी मैं इसको लिया हूँ इसलिए ताकि मैं यूज कर पाऊँ इसे अपने ब्लॉग्स में। मैं वाटर पार्क का वीडियो इसमें डालने वाला हूँ, इस वीडियो के नीचे आप लिंक में देख सकते हैं ब्लॉगिंग में ये कैसा परफॉर्मेंस करता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि इम्पोर्टेंट अपडेट आपको मिलते रहे। चलिए तो ये हमारा इसका टेस्ट तो हो चुका है, अब देखते हैं हमारा कपड़ा सूखा है या नहीं।
दोस्तों फाइनली हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो ऊपर से भींगा हुआ है। इसके अंदर का कपड़ा को टेस्ट करना था, इसके लिए मैं एक टॉवल इस्तेमाल करूँगा। सबसे पहले इसे ऊपर से सुखा लेते हैं ताकि ये हमें ठीक से पता चल पाए कि हमारा अंदर में इसका पानी गया है या नहीं। कुछ देर में मैं इसमें अपना डीजे उसको पॉकेट को भी डालने वाला हूँ। चलिए तो ऊपर से तो हमारा ये प्रोडक्ट सूख चुका है। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं इसको खोल करके। चलिए तो इसे ओपन करते हैं और देखते हैं। नहीं, हमारा ये कपड़ा सूखा हुआ है। चलिए ये अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। चलिए अब इसमें हम अपना डीजे उसमें पॉकेट को लगा करके देख लेते हैं। ओके नाइस, भींगा हुआ तो नहीं है कपड़ा। चलिए अब इसमें अपने डीजे उसमें पॉकेट को लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों फाइनली अब हम अपने DJI Osmo पॉकेट को इस केस के अंदर डालने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या हमारा ये कैमरा सही से वाटर प्रूफ में काम कर पाता है या नहीं। उसके लिए मैं इसका ये जो स्ट्राइप है, मतलब कि ये जो इसका पिन है जिससे कि मोबाइल को कनेक्ट किया जाता है, इसे हटा लेता हूँ ताकि ये इसमें फिट आ पाए। देखते हैं किस प्रकार से फिट आता है। तो इसमें मैं डालता हूँ इसे। ओके चलिए, तो ये हमारा बिल्कुल इसमें ठीक तरीक़ा से फिट आ गया है। इसे बंद कर लेते हैं और इसे इस प्रकार से यहाँ पे लॉक कर देते हैं। इसके बाद इसे टर्न ऑन करके देखते हैं क्या ये हो पाता है नहीं। थोड़ा जोर लगाना पड़ रहा है। बाकी ये जो हमारा कैमरा है ऑन हो चुका है। अब इसको वाटरप्रूफ के अंदर पानी के अंदर डाल करके टेस्ट करना है और इसके अंदर से जो वीडियो आएगा क्वालिटी वो भी मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा ताकि ये कैसा परफॉर्मेंस देता है आप देख सकते हैं इसके स्क्रीन पे। मैं यहाँ पे अभी रिकॉर्ड का बटन दबाता हूँ और ये काम कर रहा है। इसका गिम्बल भी इसके अंदर काम कर पा रहा है, आप देख पा रहे होंगे इसका जो गिम्बल है मूव हो रहा है। इसका वीडियो का इसमें नहीं देख रहे होंगे वीडियो। ओके तो दोस्तों फाइनली हमारा कैमरा पानी में जाने के लिए तैयार है अपने पॉकेट के साथ में। और मैं इसका रिकॉर्डिंग का बटन भी ऑन कर देता हूं ताकि इसके अंदर आपको वॉइस का क्वालिटी और इसके बाद जो रिकॉर्डिंग हो रहा था वो पता चल पाए। ये देखिए मैंने अपने कैमरे को वाटर में डाल दिया है। बाकी और टेस्ट ब्लॉग का लिंक मैं वीडियो में दे दूँगा लिंक में, जहाँ से आप देख सकते हैं। एक बार देखते हैं, यार डर लगता है। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, नाइस परफॉर्मेंस इज गुड। वाटर तो अंदर नहीं जा पा रहा है। चलिए ये हमारा ठीक से बंद तो है ना। चलिए हमारा ठीक से बंद है, इसको फिर से डालते हैं। हमारा रिकॉर्डिंग कैमरा का ऑन है। ओके और स्टॉप करते हैं रिकॉर्डिंग और इसे मैं केस के अंदर लगा करके जो परफॉर्मेंस है, वीडियो का क्वालिटी है वो आप देख सकते हैं। वीडियो के नीचे लिंक दिया जा रहा है, वहां से आप क्लिक करके आप देख सकते हैं केस के अंदर से ये कैसा परफॉर्मेंस देगा। ओके दोस्तों, इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल टेस्टी मावा को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए अब इसे ओपन करके देख लेते हैं क्या इसके अंदर वाटर गया है या नहीं। पहले ऊपर से इसे साफ़ कर लेते हैं ताकि ऊपर से अंदर ना जा पाए इसके अंदर वाटर। तो इसे मैंने ऊपर से क्लीन कर लिया है और इसे मैं इसी तरीक़ा से खोलता हूँ और देखता हूँ क्या ये हमारा कैमरा सेफ है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि पानी का एक बूंद भी इसके आसपास नहीं आया है। तो ये हमारे लिए वाटरप्रूफ केस बहुत ही अच्छा काम करेगा। ओके ये अच्छा है। अगर आपके पास है और इसी कैमरा को आप पानी वगैरह में यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं इस केस के साथ। तो और मैं आपको बता दूं कि इसका प्रोडक्ट का मैं बेस्ट बाय लिंक आपको दे दूँगा, जहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं।
मैंने किया है और आप भी कर सकते हैं अगर आपके पास DJI उसमें पॉकेट है तो। ओके तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को करते हैं खत्म, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।